मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे। लैटिस एनर्जी को हिंदी में हम लोग जालक ऊर्जा भी कहते हैं। तो ये देखते हैं कि लैटिस एनर्जी क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये हो गया सोडियम इन गैसियस स्टेट, क्लोरीन इन गैसियस स्टेट, ये मिलकर बनेगा NaCl सॉलिड और इससे जो एनर्जी रिलीज होंगे और इसी एनर्जी को हम नाम देते हैं क्या, लैटिस एनर्जी कहेंगे। अब इस लैटिस एनर्जी को अगर डिफाइन कीजिएगा तो लैटिस एनर्जी को ये डिफाइन कीजिएगा, ये होगा Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, ये मिलकर NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे और जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको नाम दोगे क्या, लैटिस एनर्जी कहेंगे। अब अगर इसको डिफाइन करना है तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि एक मोल गैसीय केटायन, ये हो जाएगा आपका वन मोल गैसीय एनायन, ये मिलकर वन मोल आयोनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं और इसके फलस्वरूप जितनी ऊर्जा मुक्त होगी उसे हम क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी कहेंगे। या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज When one mole of gaseous cation and one mole of gaseous anion combine to form one mole of ionic solid, तो इसको हम नाम देंगे क्या, लैटिस एनर्जी कहेंगे। तो इसको ये लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस केटायन एंड वन मोल ऑफ गैसियस एनायन कंबाइंड टू फॉर्म वन मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड, वन मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड, और इस एनर्जी को नाम दोगे क्या, लैटिस एनर्जी कहेंगे। यानी फिर से एक बार जो होगा इंडिकेट कर लें कि एक मोल गैसीय केटायन, एक मोल गैसीय एनायन, ये मिलकर एक मोल आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे और जितनी एनर्जी रिलीज होगी इसको हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। अब अगर मान लो इस रिएक्शन को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड अगर सोडियम क्लोराइड सॉलिड को अगर दे दें तो ये क्या होगा, ये गैसीय केटायन और गैसीय एनायन में क्या होगा, ये परिवर्तित हो जाएगा या गैसीय केटायन और गैसीय एनायन में विघटित हो जाएगा। तो इसको हम दूसरे तरह से भी ये कह सकते हैं कि एक मोल आयोनिक सॉलिड को इनके कंस्टिट्यूएंट केटायन और एनायन में विघटित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम नाम दे सकते हैं क्या, लैटिस एनर्जी। तो हम लैटिस एनर्जी को दोनों टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ये जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। तो एक मोल गैसीय केटायन एक मोल गैसीय एनायन के साथ मिलकर एक मोल आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करे और जितनी एनर्जी रिलीज करे ठीक उतना ही एनर्जी एक मोल आयनिक सॉलिड को इसके कंस्टिट्यूएंट केटायन और एनायन में विघटित करने के लिए आवश्यक होगी। तो हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break one mole ionic solid
आयोनिक सॉलिड टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स। ये जो होंगे एक मोल आयनिक सॉलिड को उनके अवयवी आयन या कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स में ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसको हम नाम देंगे क्या, लैटिस एनर्जी कहेंगे। अब इस लैटिस एनर्जी का जो इक्वेशन है इसको देखो, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है ये होता है एक मोल गैसीय केटायन और एक मोल गैसीय एनायन। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि ये जानते हैं कि ना तो गैसीय केटायन का एस्टेब्लिश होगा या स्टेबिलिटी होगा और ना ही गैसीय एनायन की स्टेबिलिटी होगी। तो जब ये गैसीय केटायन और गैसीय एनायन इसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हम लैटिस एनर्जी का मान ये डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। यानी एक मोल गैसीय केटायन ले लें, एक मोल गैसीय एनायन ले लें और इससे एक मोल आयनिक सॉलिड का निर्माण कर देते हैं, तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा वो हमारा लैटिस एनर्जी होगा। इस वैल्यू को हम डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। कारण ये होगा कि देखो गैसीय केटायन और गैसीय एनायन इसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो जब भी हम लोग इसका कंसीडरेशन करेंगे या इसका कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी का, तो ये मान हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट फॉर्म में निकालेंगे। इसको हम लोग अगले या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से लैटिस एनर्जी को हम डिटरमाइन करते हैं। ये फिलहाल अभी हमारे यहां का टॉपिक नहीं है। अब इस लैटिस एनर्जी के लिए अब एक और टर्म होता है जिसको नाम देते हो हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब एक टर्म ये भी हम लोग यूज करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हम सीधा ये कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से होता है और वो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन अगर अपने नेचुरल स्टेट में होता है तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड हो इसको हम नाम देते हैं क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज करो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होना है और ये जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा क्या होता है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का नेचुरल स्टेट होता है सॉलिड और ऑक्सीजन का नेचुरल स्टेट होता है क्या, डाइएटॉमिक गैस। अब इससे जो भी एनर्जी रिलीज करेगा, मान लो सपोज करो हम ये लिख रहे हैं एक्स किलो कैलोरीज, तो ये जो एक्स किलो कैलोरीज है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह से नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं डेल एच इक्वल टू माइनस एक्स किलो कैलोरीज। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का नेटिव स्टेट होगा सॉलिड और ऑक्सीजन का नेचुरल स्टेट होगा क्या, डाइएटॉमिक गैस। तो यहाँ एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होता है और ये इसका क्या होगा, नेचुरल स्टेट में उपस्थित होते हैं, इसलिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। अब मान लो, जैसे मान लो हम लेते हैं Na सॉलिड, ठीक, प्लस हाफ Cl2 गैस, ये मिलकर बना रहा है आपका NaCl सॉलिड और यहां डेल एच इसका मान होता है माइनस 118.2 किलो कैलोरीज पर मोल, ये वैल्यू हुआ। तो अब देखिए इस रिएक्शन में एक मोल NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है और ये NaCl का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का नेचुरल स्टेट क्या है, ये सॉलिड स्टेट में रहता है, जबकि क्लोरीन हमारा डाइएटॉमिक
गैस के रूप में रहेगा। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, अपने नेचुरल स्टेट में है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगा ये कहलाएगा क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी ये कह सकते हो सोडियम क्लोराइड के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान हो जाएगा कितना, -118.2 किलो कैलोरी। मान लो एक और चीज देखते हैं, हम यहाँ सोडियम सॉलिड लिए और ये ले लेते हैं क्लोरीन गैस, ये बन जाएगा क्या हमारा NaCl2 सॉलिड। डेल एच का मान होता है इसमें +507.50 1.7 किलो कैलोरीज पर मोल। अब देखिए यहाँ भी एक मोल NaCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम भी हमारा नेचुरल स्टेट में है, क्लोरीन भी हमारा क्या है, नेचुरल स्टेट में है। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जो होगा यही हमारा कहलाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन एक चीज इसमें देखो, इसमें जो डेल एच का मान है ये क्या है, निगेटिव है। इसमें डेल एच का मान क्या होगा, दिया जा रहा है पॉजिटिव। तो डेल एच का मान निगेटिव होना ये इंडिकेट करता है क्या, एनर्जी रिलीज को। और डेल एच का मान अगर पॉजिटिव होगा तो ये इंडिकेट करेगा किसको, एनर्जी एब्जॉर्ब को। तो यहाँ एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर डेल एच का मान निगेटिव होता है तो कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा, और अगर डेल एच का मान पॉजिटिव होता है तो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड होगा क्या, अनस्टेबल। कारण क्या है, ड्यू टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल एच, ये जो होगा ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ डेल एच का मान पॉजिटिव होगा। और अगर ये NaCl को ले चल सकते हो तो ये हो जाएगा आपका स्टेबल। कारण क्या दोगे, ड्यू टू निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल एच। तो अगर मान लीजिए इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन में डेल एच का मान निगेटिव होता है तो ये कंपाउंड स्टेबल होगा, और डेल एच का मान अगर पॉजिटिव होगा तो जनरली ये कंपाउंड जो होंगे ये स्टेबल नहीं होंगे। तो इस तरह से ये हमने देखा दो टर्म, एक लैटिस एनर्जी, दूसरा हमारा क्या था, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब फिर लैटिस एनर्जी को हम आगे बढ़ाएंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि लैटिस एनर्जी के जो सूत्र होते हैं या रिलेशन होते हैं, इसका डेरिवेशन हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए हम इसके फॉर्म को डिराइव नहीं कर रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं। एक टर्म होता है जिसको नाम देते हैं बोर लैंडे इक्वेशन, ये होता है, ये कहलाता है बोर लैंडे इक्वेशन। ये वैल्यू होता है लैटिस एनर्जी का, ये होगा आपका लैटिस एनर्जी, इसको हम यू से इंडिकेट करते हैं। ये बराबर होगा जेड प्लस इंटू जेड माइनस, फिर होगा ई स्क्वायर ए एन अपॉन आर जीरो वन बाई एन माइनस वन। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं क्या, ये कहते हैं बोर लैंडे इक्वेशन कहेंगे। अब देखो इसमें जो टर्म हम यूज कर रहे हैं ये टर्म क्या है, अब देखिए जेड प्लस ये बताएगा किसको, चार्ज ऑन केटायन को बताएगा, यानी केटायन पर कितना चार्ज है। जेड माइनस ये बताएगा किसको, चार्ज ऑन एनायन को बताएगा, यानी एनायन पर कितना चार्ज है। ई हमारा बताएगा क्या, ये बताएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखिए ये भी वैल्यू हमारा क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। ए ये होता है क्या, मेडुलंग कांस्टेंट,
इसको नाम देते हैं मेंडिलंस कांस्टेंट। ये भी वैल्यू कांस्टेंट है। एन होता है हमारा एवोगाड्रोज नंबर और ये भी हमारा क्या है कांस्टेंट है। देखिए अभी तक जो टर्म पांच टर्म यूज किए हैं इसमें जेड प्लस और जेड माइनस यही जो होंगे ये वेरिएबल होंगे, बाकी सारे ई ए और एन यानी चार्ज और इलेक्ट्रॉन, मेडुलंस कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर ये सारे हमारे क्या होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। अब देखो आर जीरो ये इंडिकेट करता है किसको, ये बताएगा आपको डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन। देखिए ये भी हमारा वेरिएबल हो गया क्योंकि अलग अलग केटायन और एनायन ये अगर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये अलग अलग होगा। एन जो होंगे इसका वैल्यू ये कह सकते हो कि इट्स वैल्यू इज ऑलवेज इसका मान हमेशा क्या होगा ये होगा लेस देन वन और वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी ये हमारा क्या होगा लैटिस एनर्जी का मान हो जाएगा क्या ये निगेटिव होगा। ठीक अब देखिए ये जो बॉर्न लैंडे इक्वेशन है इसमें को हम लोग इसलिए लिखे हैं कि अब इससे हम ये रिलेट करेंगे कि ये हमारा लैटिस एनर्जी किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। अब देखो ये हमारा E का मान कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, कैपिटल N कांस्टेंट है, N का मान ऑलवेज लेस देन वन होगा और लैटिस एनर्जी का मान क्या होगा निगेटिव होगा। तो अब सारे कांस्टेंट और बराबर को अगर हम हटा दें तो ये कह सकते हो कि लैटिस एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड प्लस इंटू जेड माइनस के और दूसरा ये हो जाएगा ये कह सकते हो कि लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके आर जीरो के। तो अब ये है कि लैटिस एनर्जी देखो दो फैक्टर पर निर्भर करता है चार्ज ऑन केटायन और एनायन। अगर केटायन और एनायन पर चार्ज अधिक होगा तो लैटिस एनर्जी का मान क्या होगा ये अधिक होगा और अगर मान लीजिए आर जीरो यानी डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन अधिक होंगे तो लैटिस एनर्जी का मान कम होगा। अब ये जो लैटिस एनर्जी के वैल्यू होते हैं ये लैटिस एनर्जी का वैल्यू स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड को भी जो होगा ये इंडिकेट करेगा। जैसे मान लो हमने इसमें ये लिखा था याद कीजिए Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस ये मिलकर बनाया था क्या NaCl सॉलिड और ये एनर्जी रिलीज किया था और इसी एनर्जी को हम नाम दे रहे थे क्या लैटिस एनर्जी कहे थे। अब देखो जितना लैटिस एनर्जी का मान है वही वैल्यू सोडियम क्लोराइड के बीच जो होगा ये क्या होगा स्टोर्ड होगा। अगर लैटिस एनर्जी का मान कम होता है तो इस सोडियम क्लोराइड या आयनिक सॉलिड को अपने कंस्टिट्यूएंट में तोड़ने में या विघटित करने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ये बंध हमारा कमजोर होगा। और अगर लैटिस एनर्जी का मान अधिक होता है तो फिर ये जो आयनिक सॉलिड हैं या NaCl हैं इनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स या ये कहो कि इनके बीच अधिक मात्रा में ऊर्जा संचित होगी और इनको कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी या फिर ये कहेंगे कि ये बंध जो होंगे ये मजबूत होंगे। तो ये भी कह सकते हो कि अगर वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी क्या हो कम हो तो वो बॉन्ड हमारा क्या होगा ये वीकर होगा। अगर लैटिस एनर्जी का मान अधिक होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा बॉन्ड जो होंगे ये स्ट्रॉन्गर होंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी ये बॉन्ड एनर्जी को भी इंडिकेट करता है। तो अगर लैटिस एनर्जी का मान कम तो बॉन्ड जो होंगे ये कमजोर होंगे और अगर लैटिस एनर्जी का मान अधिक होता है तो बॉन्ड जो होंगे ये क्या होंगे ये स्ट्रॉन्गर होंगे। अब यहां हमने ये देखा कि लैटिस एनर्जी को दो कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक ये था जिसको नाम दे रहे हैं क्या चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन, चार्ज ऑन
केटायन एंड एनायन, यानी केटायन और एनायन पर जो चार्ज होंगे ये मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो सीधा कह सकते हो कि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन इंक्रीज करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी क्या होंगे, ये इंक्रीज करेंगे। तो सीधा ये कह सकते हैं कि चार्ज ऑन केटायन और एनायन दोनों पर चार्ज समान होता है, क्योंकि कंपाउंड हमारा न्यूट्रल होगा। चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन इंक्रीजेस मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस। लैटिस एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमारा क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस या ये कहिए कि इनका कुछ सीक्वेंस हम लोग देखेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी के न्यूमेरिकल्स वैल्यू को हम की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि किसका वैल्यू अधिक होगा और किसका वैल्यू कम होगा। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, तीन कंपाउंड ले रहे हैं। देखो ये हो गया, एक हो गया Na प्लस F माइनस, दूसरा हम कंपाउंड ले लेते हैं क्या, ये ले लेते हैं Mg2 प्लस और ये होगा F2 माइनस, और तीसरा कंपाउंड ले लेते हैं ये हो गया Mg2 प्लस O2 माइनस। अब इसमें ये देखकर बताइए कि किसका मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी अधिक होगा और किसका मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी कम होगा। हमने अभी ये कहा था कि लैटिस एनर्जी को देखो U से इंडिकेट कर रहे हैं, U प्रोपोर्शनेट टू Q1 Q2 और U प्रोपोर्शनेट टू 1/r0। अब देखो इस पर केटायन और एनायन पर एक एक यूनिट क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। इसमें केटायन पर दो यूनिट, एनायन पर एक यूनिट, और इसमें केटायन और एनायन दोनों पर क्या है, दो यूनिट है। तो अगर मान लो मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ हो गया चार, यहाँ हो गया दो और यहाँ हो गया एक। तो ये कह सकते हो कि अगर मान लो सीक्वेंस देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी अगर देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, Mg2 प्लस O2 माइनस ये सबसे अधिक, इसके बाद होगा Mg2 प्लस F2 माइनस, और सबसे कम हो जाएगा आपका Na प्लस F माइनस। इस तरह से ये हमारा क्या होगा, पहला फैक्टर होगा। अब मान लो दूसरा देखते हैं, इसी का एग्जांपल दूसरा भी जो होगा ये देखो, जैसे कंपाउंड हो गया K प्लस F माइनस, ठीक है। दूसरा ये है Ca2 प्लस और ये हो गया F2 माइनस, और तीसरा हो जाएगा मान लो Ca2 प्लस O2 माइनस। यहाँ भी देखिए ये हो जाएगा केटायन और एनायन पर एक एक यूनिट चार्ज, केटायन पर दो यूनिट, एनायन पर एक यूनिट, और इसमें केटायन और एनायन पर दो दो यूनिट। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी इसमें क्या होगा, सबसे अधिक, इसके बाद इसमें, और इसके बाद क्या हो जाएगा, Kf में। तो यहाँ ये हो जाएगा Ca2 प्लस O2 माइनस, ये सबसे अधिक होगा, इसके बाद होगा Ca2 प्लस, ये होगा F2 माइनस, और ये हो जाएगा K प्लस F माइनस। तो ये हमारा पहला फैक्टर होगा जो लैटिस एनर्जी को प्रभावित करेगा, ये हो जाएंगे चार्ज ऑन केटायन और एनायन। तो अगर चार्ज ऑन केटायन और एनायन ये अधिक होगा तो वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, या ये कहो कि मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी अधिक होंगे और बंध हमारा क्या होगा, ये मजबूत होगा। दूसरा फैक्टर है जिसको नाम देते हो, ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन। देखो केटायन और एनायन के बीच की दूरी ये भी निर्भर करता था लैटिस एनर्जी पर, ये था U प्रोपोर्शनेट टू 1/r0।
यानी अगर डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन इंक्रीज करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। ये सीक्वेंस आएगा, ये सीक्वेंस आएगा आपका कि डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन ये क्या होगा, इंक्रीजेज। देन मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी ये क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेज। यानी दोनों एक दूसरे का क्या होगा, ये उल्टा समानुपाती होगा। तो चलो इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया लिथियम फ्लोराइड हो गए, फिर हो गया आपका सोडियम फ्लोराइड, पोटासियम फ्लोराइड, रुबीजियम फ्लोराइड और ये हो जाएंगे सीजियम फ्लोराइड। अब इन सारे कंपाउंड को ये इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी अरेंज करना हो तो या तो कि लिथियम फ्लोराइड का मान अधिक हो, सीजियम का सबसे कम, या फिर इसका दूसरा हो सकता है कि सीजियम फ्लोराइड का मान सबसे अधिक हो और लिथियम फ्लोराइड का सबसे कम। अब अगर मान लो इसमें देखो तो सबका एनायन क्या है, कांस्टेंट है, केटायन हमारा वेरिएबल है, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबीजियम और सीजियम ये एक ग्रुप को इंडिकेट करते हैं और ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम चलोगे तो साइज क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है, साइज का सीक्वेंस अगर लेते हो तो ये हो जाएगा Li प्लस सबसे छोटा, इसके बाद Na प्लस, इसके बाद K प्लस, इसके बाद Rb प्लस, इसके बाद CS प्लस। ये पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखे थे कि ग्रुप में ऊपर से नीचे चलोगे तो साइज क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो जब साइज बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ लैटिस एनर्जी क्या हो जाएंगे या मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी क्या होगा, ये कम होगा। तो सबसे कम लैटिस एनर्जी इसका होगा और सबसे अधिक लैटिस एनर्जी लिथियम फ्लोराइड का होगा। तो यहां सीक्वेंस आएगा लिथियम फ्लोराइड, देन सोडियम फ्लोराइड, देन पोटासियम फ्लोराइड, देन रुबीजियम फ्लोराइड और देन सीजियम फ्लोराइड। दूसरा भी एक सीक्वेंस अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा कि चलो ये ले लेते हो लिथियम फ्लोराइड, ये होगा लिथियम क्लोराइड, ये हो जाएगा लिथियम ब्रोमाइड, ये होगा लिथियम आयोडाइड। पहले एग्जाम्पल में हमने केटायन को वेरिएबल कर लिया था, एनायन को कांस्टेंट फिक्स कर लिया। अब देखिए हमारा केटायन सब में क्या है, लिथियम है, एनायन हमारा क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो अगर फ्लोरीन से आयोडीन के तरफ चलोगे तो साइज क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, तो लिथियम आयोडाइड जो होंगे इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये सबसे अधिक और लिथियम फ्लोराइड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम। तो यहां मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी फिर आ जाएगा लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और ये हो जाएंगे क्या, लिथियम आयोडाइड। और एक और एग्जांपल ले लेते हो, जैसे मान लो ये हो गया MgO, दूसरा हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, एस्ट्रॉन्सियम ऑक्साइड और ये हो गया बेरियम ऑक्साइड। देखो फिर इसमें एनायन जो होंगे ये कांस्टेंट है, केटायन हमारा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एस्ट्रॉन्सियम हो गया और बेरियम हो गया। तो ये क्या होंगे, ये ग्रुप 2A के सदस्य हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे चलोगे तो साइज हमारा इंक्रीज करेगा। तो बेरियम और ऑक्सीजन इसमें क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन सबसे अधिक और इसमें क्या होंगे, डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन जो होंगे ये कम होंगे। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी का सीक्वेंस आएगा MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, एस्ट्रॉन्सियम ऑक्साइड और देन बेरियम ऑक्साइड। तो इसमें इस तरह के सीक्वेंस हम लोग को यूज होगा। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि हम इस सीक्वेंस से कोई अधिक या ये कहिए कि कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं निकाल सकते। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी, हमने ये कहा था कि ये बॉन्ड
एनर्जी या ये कहो कि बंध के मजबूती को भी इंडिकेट करता है। अगर लैटिस एनर्जी का मान अधिक होता है बॉन्ड हमारा मजबूत होगा, लैटिस एनर्जी का मान कम होगा बॉन्ड हमारा क्या होगा, ये कमजोर होगा। इसी तरह से ये वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी बहुत सारे चीज को इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लो एक टर्म होता है सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी को भी जो होगा ये इंडिकेट करेंगे। सॉलिबिलिटी के लिए आयनिक कंपाउंड के सॉलिबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि लैटिस एनर्जी जो होंगे ये सॉल्वेशन एनर्जी का मान क्या होना है, अधिक होना है, लैटिस एनर्जी के मान को कम होना है। तो अगर मान लो पार्टिकुलर सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं तो जब लैटिस एनर्जी का मान अधिक होगा तो नेचुरल है कि कुछ संभावना ये होगा कि वो सॉल्यूट क्या होंगे कम सॉल्युबल होंगे, और लैटिस एनर्जी का मान कम होगा तो हो सकता है कि वो सॉल्यूट जो होंगे ये अधिक सॉल्युबल होंगे। ये तो आगे के टर्म का या ये कहिए कि आगे की चीज है। तो हम लोग ये भी जो होगा सॉल्युबिलिटी को भी लैटिस एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को हम लोग लैटिस एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस ये हमको इनऑर्गेनिक में या फिर अन्य जो होंगे ये टॉपिक्स में हमको देखने को मिलेंगे। ये लैटिस एनर्जी ये आपका किसी भी कारक को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स कह सकते हो, टर्म्स कह सकते हो, जिससे हम लोग काफी अधिक एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये आपका लैटिस एनर्जी हो गया। अब इसमें हमने लैटिस एनर्जी के बारे में देखा कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, और लैटिस एनर्जी किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।